मैं प्रीति खरे, स्वच्छता एम्बेसडर नगर निगम भोपाल, आप सभी को पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस की ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताना जा रही हूं इको ब्रिक के बारे में। इको ब्रिक एक ऐसी ब्रिक है जो कि एक प्लास्टिक के बॉटल में छोटे हर प्लास्टिक जो हमारे किचन में आते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग इको ब्रिक बोलते हैं। वैसे तो पूरी कोशिश होती है कि घर में प्लास्टिक बिल्कुल भी ना आए, फिर भी बहुत बार होता है कि अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में हमारे पास प्लास्टिक आ जाता है। जैसे नमक का पैकेट है, इमरजेंसी में अगर दूध लिया है तो दूध का पैकेट है, छाछ का पैकेट है, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आते हैं तो उनके पैकेट्स हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम लोग डायरेक्टली नगर निगम की कचरे वाली गाड़ियों में ना देते हुए ऐसे बॉटल्स में इसको कलेक्ट करें। ये जो आप पूरा कचरा देख रहे हैं ये मेरा 2 महीने का कचरा है। 2 महीने में मेरे घर में जितना प्लास्टिक आया है, इसमें कुछ बिस्किट के पैकेट्स हैं, इसमें ऑयल का भी एक पैकेट है, इसमें दूध के पैकेट्स हैं, छाछ के पैकेट हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग इसके अंदर रखते जाते हैं और एक टाइम आता है जब ईजिली वो जाते नहीं है, तो मैं तो एटलीस्ट ये यूज़ करती हूँ। इससे हम लोग इसको प्रेस करते जाते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें अगर आप देख रहे हैं कि 2 महीने का प्लास्टिक आया हुआ है एंड आई एम श्योर 1 महीने का और इसमें आ सकता है। तो आप सोचिए कि 3 महीने के प्लास्टिक को, 3 महीने के छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को जो कि लैंडफिल्स में और पानी में, नदियों तालाबों में जाता है और पोल्यूशन करता है, उसको हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया। अब इस बॉटल को मैं नगर निगम के कचरे की गाड़ी में भी दे सकती हूँ और इको ब्रिक्स आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस में भी कहीं कहीं यूज़ हो रहे हैं, पार्क में बेंचेस बनती हैं, बहुत सारे दूसरे भी यूजेस हैं। अगर वो यूज़ नहीं भी करना है तो आप इस रूप से नगर निगम के कचरे की गाड़ी में पूरे अपने छोटे छोटे प्लास्टिक को दीजिए। इस तरह से हम लोग लैंडफिल्स में जाने से छोटे टुकड़े बचा लेंगे प्लास्टिक के और पानी में जाने से बचा लेंगे, तालाबों में, नदियों में, और उसके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।